आज की वीडियो में हम लोग BMLT के लिए टॉप गवर्नमेंट जॉब्स देखने वाले हैं, जो कि हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब है जस्ट आफ्टर BMLT. BMLT के तुरंत बाद आप कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो और कितनी उसकी सैलरी होगी, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस. दिस इज सुमन यादव. BMLT का मतलब होता है बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी. ठीक है, सो लैब टेक्नीशियन भी कई लोग कहते हैं. सो BMLT का जो पूरा डिटेल्स है, मतलब A to Z, ये मतलब इसके कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, कितनी फ़ीस लगती है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या है ये कोर्स, इन सब के बारे में ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में बता दिया है. आप वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा. फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की. जब मैं एक टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ तो उसी टॉपिक पे मैं स्टिक रहती हूँ. ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित कर दूँ. हर चीज़, हर टॉपिक पे हम लोगों ने वीडियोस बना रखा है. आप उसको उस रेस्पेक्टिव वीडियो में जाके देख सकते हो. जो आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा टॉपिक, वही टॉपिक पे आपको अंदर वीडियो मिलेगा. ठीक है, सो फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे. सो सबसे अच्छी और सबसे जो टॉप पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स है, हाईएस्ट सैलरी वाली, वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ. जैसे एग्जांपल के तौर पे जो आपकी गवर्नमेंट जॉब है उसमें आप ट्रेनी टेक्नीशियन बन सकते हो. ठीक है, ट्रेनी टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है, अगर उसमें आप अप्लाई करते हो. BMLT वाले ही अप्लाई कर सकते हैं. उसमें आप अप्लाई करते हो तो आपकी तुरंत जॉब लगती है, और जॉब लगने के बाद आपकी 30,000 से 40,000 तक की सैलरी होती है. ठीक है, नेक्स्ट होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर. चीफ मेडिकल ऑफिसर भी एक तरह की गवर्नमेंट जॉब है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में या फिर आप जो रिसर्च कंपनीज़ होती हैं वहाँ पे आप एज अ मेडिकल ऑफिसर काम करते हो और चीज़ों की देख रेख करते हो कि बाकी लोग कैसा काम कर रहे हैं. सो इसकी जो सैलरी होती है वो आपकी 45,000 तक होती है. इसके बाद होता है आपका क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर. जैसे कि मान लो कोई ड्रग्स बनाया जा रहा है तो BMLT वालों को भी और फार्मा वालों को भी रखा जाता है कि वो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की तरह काम कर सके. यानी कि कोई ड्रग बना है तो उसे चेक कर सके वो कैसा काम कर रहा है, वो सही काम कर रहा है कि नहीं, उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं. सो ये सारा काम होता है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर का. इसमें जो सैलरी होती है वो भी आपकी 30,000 से 40,000 के लगभग होती है. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट होता है फ्लेबोटोमी टेक्नीशियन. फ्लेबोटोमी टेक्नीशियन बहुत ही फेमस टेक्नीशियन है. हालांकि आपने इसका नाम थोड़ा सा नया लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ, आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा. जैसे मान लो आपको कोई बीमारी हुई है, जैसे मान लो आपको बार बार बुखार आ रहा है या कोई भी ऐसा सिम्टम्स है जो लगातार हो रहा है आपको. ठीक है, बुखार चढ़ ही रहा है, उतर ही नहीं रहा, तो डॉक्टर के पास आप दिखाने गए तो डॉक्टर बोला हो सकता है आपको मलेरिया हो या टाइफाइड हो, लेकिन डॉक्टर भी श्योर नहीं है. तो वो कहेगा जाइए आप किसी पैथोलॉजिस्ट के पास या किसी फ्लेबोटोमी वाले के पास आप जा करके ब्लड चेकअप कराइए. सो पैथोलॉजिस्ट और फ्लेबोटोमी में थोड़ा सा अंतर होता है. पैथोलॉजिस्ट कई चीज़ का चेकअप करता है, लेकिन फ्लेबोटोमी वाले सिर्फ और सिर्फ ब्लड का चेकअप करते हैं. और ये जो है वो स्पेशलाइजेशन कोर्स के बाद आपको मिलता है. फ्लेबोटोमी टेक्नीशियन वाला जो ओहदा है वो आपको काफ़ी स्पेशलाइजेशन के बाद मिलता है. इसमें काफ़ी बार आपको एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है. सो इससे क्या होगा, आप स्पेशली ब्लड चेकअप करने वाले बनोगे. ब्लड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं उसे आप चेक करने की काबिलियत रखोगे अगर आप फ्लेबोटोमी टेक्नीशियन हो. ठीक है, सो ब्लड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, ब्लड ग्रुप चेक करना, ब्लड से रिलेटेड बीमारियां चेक करना, वो आपका काम होगा अगर आप फ्लेबोटोमी टेक्नीशियन बनते हो. इसमें जो सैलरी है वो आपकी 30,000 से अबव रहती है. 30,000 से अबव कुछ भी हो सकती है, मतलब वो 70-80 हज़ार तक भी हो सकती है. डिपेंड करता है कि आप कहाँ आपको ये जॉब मिली है. अगर एम्स वगैरह में जॉब मिली है तो 70-80 हज़ार तक आपकी सैलरी जा सकती है. क्लियर. नेक्स्ट होता है पैथोलॉजिस्ट. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक पैथोलॉजिस्ट आप सोच सकते हो एक ब्रॉड स्कोप वाला है. जैसे कि मान लो, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर आप टीचर हो, ठीक है, प्राइमरी लेवल के टीचर हो, तो वहाँ आप बच्चों को साइंस पढ़ाते हो. साइंस के एक ही टीचर होते हैं. ठीक है, साइंस वहाँ पे पढ़ाई जाती है, तो साइंस में वो फिजिक्स भी पढ़ा लेता है, केमिस्ट्री भी पढ़ा लेता है, बायोलॉजी भी पढ़ा लेता है. वहीं आप अगर 12th क्लास में जाओगे सो 12th में क्या होता है, फिजिक्स के अलग टीचर होते हैं, बायोलॉजी के अलग होंगे, केमिस्ट्री के आपके अलग होंगे. वहीं अगर आप ग्रेजुएशन में BSc वगैरह में जाओ, जूलॉजी के आपको अलग टीचर मिलेंगे, बॉटनी के आपको अलग टीचर मिलेंगे. फिर आप MSc करोगे तो जूलॉजी में भी जितने ब्रांचेस हैं, ठीक है, जितने भी अलग अलग ब्रांचेस हैं उसमें आपको अलग टीचर मिलेंगे. इकोलॉजी के अलग टीचर होंगे, ठीक है, प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अलग टीचर होंगे, एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अलग टीचर होंगे, सेल बायोलॉजी के अलग टीचर होंगे. सो इसी तरह से स्पेशलाइजेशन हो जाती है.
सेम टू सेम यहाँ पे भी है। एक पैथोलॉजिस्ट को आप समझ सकते हो किसी प्राइमरी स्कूल का टीचर या टेंथ के लेवल का टीचर, जो कि सिर्फ और सिर्फ मतलब ब्रॉड लेवल पे चीज़ें कनेक्ट करता है, लेकिन डिटेल्ड आइडिया किसको है, फ्लेबोटोमी वाले के पास होता है। उसके पास ब्लड सैंपल्स को चेकअप करने की स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। सो एक तरह से वो प्रोफेसर का काम कर रहा है, अगर मैं स्कूल लेवल से कंपेयर करके आपको बताऊं। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। एक पैथोलॉजिस्ट बहुत कुछ चेकअप कर सकता है, यूरिन भी चेकअप कर सकता है, ब्लड सैंपल भी चेकअप कर सकता है, शुगर भी चेकअप कर लेगा, कई चीज़ वो चेकअप कर लेगा, लेकिन फ्लेबोटोमी वाला सिर्फ और सिर्फ ब्लड से रिलेटेड बीमारियों की ही जानकारी रखता है, ठीक है। मतलब उसमें स्पेशलाइजेशन है। सो ये हो गई कुछ गवर्नमेंट जॉब। और भी हैं, जैसे कि लैब टेक्नीशियन की गवर्नमेंट जॉब, ये भी आपके पैथोलॉजिस्ट से रिलेटेड ही है, लगभग पैथोलॉजिस्ट जैसा ही इसमें काम होता है। इसमें जो आपकी सैलरी है वो 20,000 के लगभग होगी, और पैथोलॉजिस्ट में भी सैलरी लगभग 20,000 के लगभग ही होती है। लैब टेक्नीशियन जूनियर लैब टेक्नीशियन भी होते हैं, सीनियर भी होते हैं, या अलग अलग लेवल पे होते हैं, ठीक है। इसकी भी वैकेंसीज आपकी निकलती रहती हैं। एक होते हैं ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन, अगेन ये भी एक स्पेशलाइजेशन आपका कोर्स होता है, जिसके बाद आपकी जॉब लगती है, वैकेंसी है ये ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन की वैकेंसी। इसमें क्या होता है, हड्डियों से रिलेटेड जो भी बीमारियों की जांच है वो करने में आप महारत हासिल करे रहते हो, ठीक है। यानी कि ऑर्थोपेडिक, ऑर्थो नाम का मतलब ये होता है कि बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है उसकी आप जाँच कर रहे हो तो आप कहलाओगे ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन, ठीक है। इसमें जो सैलरी होती है वो आपकी 20,000 से 25,000 तक या 30,000 तक एक्सटेंड करती है, डिपेंड ऑन कि कहाँ आपकी जॉब लग रही है, ओके। सो ये कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स थी बीएमएलटी वालों के लिए। अगर आपने बीएमएलटी कोर्स कर रखा है तो डायरेक्ट आप इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो। आपको लगातार चेक करते रहना होगा कि कहाँ गवर्नमेंट जॉब निकल रही है। कैसे चेक करोगे, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। देखो, क्योंकि कई लोगों को मैं कहती हूँ कि अलर्ट रहो आप लोग, गवर्नमेंट जॉब्स ढूंढो, लेकिन आप लोगों को ढूंढना नहीं आता। सो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताती हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। देखो, जहाँ भी आप रहते हो, मान लो आप किसी हॉस्पिटल से कोर्स कर रहे हो, किसी मेडिकल कॉलेज से कोर्स कर रहे हो, वहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसमें काफ़ी वैकेंसीज निकलती रहती होंगी, टाइम टू टाइम वैकेंसीज निकलती रहती होंगी। अगर निकलती है, अच्छा हॉस्पिटल है, तो ठीक है, वहाँ पे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहो, लगातार पता करते रहो, जैसे ही वैकेंसी निकले आप अप्लाई कर दो, ठीक है। सेम टू सेम आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हो तो भी आप कर सकते हो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, लेकिन अगर आप अदर हॉस्पिटल्स में ट्राई करना चाहते हो जहां आप नहीं पढ़ते, सो आपको उसके लिए वैकेंसीज का लगातार वेट करते रहना होगा। जैसे एम्स अपनी वैकेंसी सारी एक साथ निकालता है, सो एम्स की वैकेंसीज हर साल आती हैं, सो हर साल आप पता करो किस टाइम वैकेंसी आती है और उस टाइम के लगभग आप हमेशा चेक करते हो। मान लो मार्च के महीने में वैकेंसी आती है, सो मार्च के महीने में आप कंटिन्यूसली हर 2-3 दिन में, 4 दिन में आप चेक करते रहो कब वैकेंसी आई, कब आई वैकेंसी, कब आई। सो हर 2-3 दिन में आपको एम्स की वेबसाइट पे चेक करते रहना होगा, ठीक है। आप पहले से उसकी वीडियोस देख के रखो, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वीडियोस, बच्चों आपके नॉलेज के लिए बहुत सारे वीडियोस भरे पड़े हैं, गूगल भरा पड़ा है, आपको पूरा उसमें नॉलेज मिलता है, बस आप ढूंढो तो सही। आप वहाँ पे पता करो कि एम्स की वैकेंसीज हर साल लगभग किस महीने में आती है। ऐसा तो नहीं है कि हर महीने वो लोग वैकेंसी निकालते हैं, ऐसा तो होता ही नहीं है। कोई एक संस्था अपनी वैकेंसीज 1-2 महीने के लगभग निकालती है। जैसे मान लो ज़्यादातर वैकेंसीज जो निकलती हैं वो आपके मार्च से लेकर के जुलाई के बीच में निकलती हैं। सो आप पता कर लो कि कौन सी जगह की वैकेंसी लगभग कब निकलती है, वो आइडिया आप रखो। नहीं याद रख पा रहे हो तो उसे नोट करके रखो, और उस दौरान उस ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहो। जैसे मान लो एम्स की निकलने वाली है, आपको लग रहा है कि हाँ इस महीने के बीच निकल सकती है, सो आप कंटिन्यूसली वेबसाइट चेक करते रहो, जैसे ही वैकेंसी आए आप उसे फिल कर दो, ठीक है। या फिर कोई और हॉस्पिटल है, जैसे दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं, कुछ फेमस हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे आप जॉब करना चाहते हो, सो उन हॉस्पिटल्स की देखो कि वैकेंसीज कब आती हैं, कितने साल में आती है और किस महीने के लगभग आती है, सो उसको आप चेक करते रहो। इस तरह से आपको कुछ हॉस्पिटल्स, कुछ जगह अपने दिमाग में रखना होगा कि इस जगह की वैकेंसी आई तो मुझे अप्लाई करना है। सो एक एक चीज़ खंगाल के रखो, महीने उसके नोट करके रखो और टाइम टू टाइम चेक करते रहो। यही तरीका होता है गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी चेक करने का। आपको ऐसे ही कहीं तुरंत जॉब नहीं मिल जाएगी, आपको ये चीज़ें चेक करती रहनी होंगी। जो चेक करता रहता है उसकी डायरेक्ट जॉब लग जाती है, जिसको नहीं आता चेक करने वो कहते हैं कि कोर्स ही ख़राब है। सो आपकी ऐसी नौबत ना आए कोर्स ख़राब कहने की। सो इसलिए आप थोड़ा अलर्ट रहो, जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से आप चेक करते रहो। इसका और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है बच्चों, इसकी ऐसा कहीं नहीं है कि जैसा आपने नीट का एग्ज़ाम दे दिया, सीयूटी का एग्ज़ाम दे दिया, सभी कॉलेज के लिए एलिजिबल हो गए, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। वैकेंसीज कॉलेज वाइज होती हैं, हॉस्पिटल्स वाइज होती हैं, और उसी वाइज आपको चेक करते रहना होता है। सो आपकी अलर्टनेस यहाँ बहुत मायने रखेगी, ठीक है।
सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय. टेक केयर.